प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। अगर इस बार चुनाव में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता। हमें सरकार की निंदा नहीं करना है लेकिन हमें सरकार के हाथ मजबूत करना है और हमारे एकनाथ शिंदे जी जो हिंदूवादी मुख्यमंत्री है उनको कहना है इस मंच के माध्यम से कि महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे भारत का हिंदू आपके साथ है। मुक्त करिए मलंगगढ़ को। शिंदे जी किसका डर है, किसका डर है? अरे हमारी सभाओं पर रोका जा रहा है, किसका डर है? हमारे ऊपर FIR की जा रही है, किसका डर है? हमें महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है, किसका डर है? शिंदे जी डरो मत, हम आपके साथ हैं। मजबूत करने का काम करेंगे। भले ही आपके आजू बाजू कुछ सेकुलर कीड़े मकोड़े बैठ गए होंगे लेकिन उन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचो। जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र में राज करेगा। ये बात इनके बाप की नहीं है मेरे मित्रों।
ये जगह हमारी है, हिंदुस्तानियों की है और हिंदुओं की है मेरे मित्रों। अगर ये एक्ट खत्म नहीं हुआ, इस एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया, ये शेड आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है, तो भारत का कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी सरकार इस जहां पर देखो वहां पर किसी फकीर की दरगाह बनाकर लैंड कब्जा। मुंबई जैसे क्षेत्र में बड़े बड़े कॉस्टली लैंड पर कब्जा, जहां देखो वहां पर पंक्चर की दुकान लगाकर कब्जा। अरे जगह पर कब्जा हो रही है ये दिख रहा है, अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले जीते हैं, उन 370 किलों में 100 किलो ऐसे हैं जहां पर किसी फकीर की दरगाह या मस्जिद बन चुकी है मेरे मित्रों। मैं आज एएसआई डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू उस किले पर भगवा झंडा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हिंदू झंडा लेकर जाता है, हिंदू के ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं, और वही मुसलमान अगर किसी फकीर के ऊपर कपड़ा चढ़ाने जाता है तो उसका स्वागत करते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत नजदीक है यहां पर। कब है चुनाव? नवंबर दिसंबर, उससे पहले ये 100 किलो पर जिन लोगों ने कब्जा किया है छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर हरा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ भगवा ही भगवा दिखना चाहिए। ये मैं हमारे देवेंद्र भैया जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे बोलने वालों याद रखना, आज हम लोग जिहाद की पीड़ा से रो रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अब तक महाराष्ट्र में लव जिहाद के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर, लैंड जिहाद के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर कानून क्यों नहीं बन रहा है, ये अफसोस होता है। अरे आज हम दंगे की चोट पर कहते हैं, हम हिंदू अगर इकट्ठा हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हम चीख चीख के कह रहे थे, लेकिन आज नहीं लगता है, नहीं लगता है हमें कि हम हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, अब नहीं लगता है मेरे मित्रों। भले ही ये धर्मसभा है, लेकिन चुनाव की दूसरी में भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है कि हमारा हिंदू किस प्रकार से पट गया और लव जिहादी किस प्रकार से इकट्ठा हो गया, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों।